अच्छा जी, तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया है अब तक, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि व्हाई कंपनीज आर नॉट यूजिंग द प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, के प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंपनीज आमतौर पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही होती हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो दो तीन चीजें यहाँ पर जो है बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज यह है कि लोग कंपनीज जो है इसलिए टेस्ट इस्तेमाल नहीं करती कि ये काफी एक्सपेंसिव होता है। दूसरा यह है कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा हायरिंग, ये टेस्ट आमतौर पर तब इस्तेमाल होते सर, हैं। आपकी आवाज डिस्कशन हो रही है। सही आवाज नहीं आ रही आपको? है, आवाज नहीं है प्रॉपर जी बच्चों? आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी अमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? अमन सही? अमार, सलीम, अरूसा या किसी को भी मेरी आवाज आ रही है? सर चलेगा ही लग रहा है। आवाज अभी आ रही है मेरी आपको? जी आ सर रही है क्लियर है? सर। आ रही है ना? चलें, गुड, आ गई वापिस। अभी आप सुन रहे हैं ना सही तरीके से? बिल्कुल क्लियर आवाज है? यस सर। ओके ठीक है जी। तो हम मैं ये कह रहा था कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, उसको हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि कंपनीज जो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को क्यों नहीं आमतौर पर इस्तेमाल करती है। उसमें सबसे पहला रीजन ये बताया गया है कि क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से शायद कंपनी सोचती है कि काफी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, इस वजह से इसे वो नहीं करती है। दूसरा रीजन ये बताया गया है कि क्योंकि जी हायरिंग बहुत कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक दो चार लोग हायर हो रहे होते हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा टेस्ट को अरेंज करना जो है वो भी जो है उनके लिए जरूरत नहीं होती, तो इतना ज्यादा हायरिंग नहीं होती जिसकी वजह से ये होता है। तीसरी रीजन ये बताई गई है कि जो मैनेजर्स हैं वो क्योंकि इतने अच्छे से ऐसे ही चल रहे हैं विदाउट टेस्ट, तो वो ये चाहते नहीं है कि टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि ये एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब वहां जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं कई सालों से, वो वही प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रही है जो कि पहले से ही इस्तेमाल होना चाह रही थी, अब कोई नई प्रैक्टिसेस को उसके अंदर वो शामिल ही नहीं करना चाहते। और फोर्थ इसमें जो रीजन है वो ये बताया गया है कि लोग जो है ये जो टेस्ट लेती हैं कंपनियां, वो ये समझती हैं कि इस एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से आप वो चीज जज नहीं कर सकते जो एक्चुअल में किसी कैंडिडेट में आप जज करना चाहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है या टेस्ट डाउट वर्क, ये वही सारी चीजें हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं कि आपको ताकि पता चले कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि टेस्ट को अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर या सिलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसके क्या रीजन है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कर भी रही होती हैं टेस्ट के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस में टेस्ट को इस्तेमाल। इफ यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस स्लाइड तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो दो ही पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड इज, ये बेसिकली हमारे पास एक यील्ड कर्व कहलाती है। ये यील्ड कर्व है, यील्ड कर्व जो है वो हमें ये बताती है कि किस तरह जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी जो सीवीज हमारे पास रिसीव्ड होती है आमतौर पर, उसका कितना परसेंट लोग जो है वो फाइनली जॉब को एक्सेप्ट करते हैं और कंपनी के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 100% यानी तकरीबन, ये एक सैंपल लिया गया ऐसे ही कि किसी कोई एक पोजीशन है जिसके ऊपर तकरीबन 2,440 कैंडिडेट जो है उन्होंने अप्लाई किया, उनके सीवी रिसीव हो गए हैं, और सिलेक्शन कितनी हुई है उसमें से,
सिर्फ 1.48% जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, यानी 2440 में से सिर्फ 36 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जो कि सिर्फ 1.5% जो है वो चांस है। यानी किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके जो चांसेस होंगे वो 1% होंगे, यानी 100 में से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% है। तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कम होती हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में ये दो तरीके होते हैं कि जब एम्प्लॉयर पावर ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से जो है वो काम करता है, और जब एम्प्लॉई की पावर ज़्यादा होता है तो फिर एम्प्लॉई अपनी मर्जी से काम करता है। अब एम्प्लॉयर पावर कैसे आती है? एम्प्लॉयर पावर तब बढ़ जाती है जब सप्लाई मार्केट में कैंडिडेट्स की ज़्यादा हो लेकिन डिमांड जो है एम्प्लॉयर की कम हो। तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयर जो है उसकी पावर बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत है और उसके बाद जो कंपनी में खपत है या डिमांड है वो बहुत कम है। तो डिमांड का कम होना और सप्लाई का ज़्यादा होना इंक्रीज द पावर ऑफ एम्प्लॉयर। इसके अगर वाइस वर्सा में चले जाएं कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो है आमतौर पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास पावर होती है, वो अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में सीवी भेज सकते हैं या उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो निगोशिएशन है, जो सैलरी है, वो अपनी मर्जी की ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है कैंडिडेट की और जो जॉब्स हैं उनकी तादाद कम है, इसलिए जो एम्प्लॉयर पावर है वो ज़्यादा है और उस एम्प्लॉयर पावर ज़्यादा होने की वजह से जो है मैनिपुलेशंस होती हैं और बहुत सारे जो राइट्स भी इवन होते हैं एम्प्लॉयज के, वो भी कैंडिडेट्स के, वो भी उन्हें नहीं दिए जाते। तो ये आप देखेंगे इनिशियली ही 2400 में से सिर्फ 700 CVs को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो 30% ऑफ द टोटल CV जो है वो शॉर्टलिस्ट होती हैं। फिर उसके बाद टेस्ट में जो लोग अपेयर होते हैं, क्योंकि आप 720 की जब आप लेटर लिखेंगे उसमें सारे के सारे टेस्ट में अपेयर नहीं होते, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट में अपेयर नहीं होते, किसी भी रीज़न की वजह से वो अपेयर नहीं हो सकते। वो रीज़न इंटरेस्ट का ना होना भी है, वो रीज़न जो है किसी और जगह पे उनका इंटरव्यू होना भी है, वो ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफियात का भी होना है, और भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकती है। तो 666 कैंडिडेट जो कि 27% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हैं वो रिसीव एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हैं आमतौर पर, और फिर उसमें से 15% ऑफ 100% लोग जो है वो पास होते हैं जो कि प्री इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। फिर जो प्री इंटरव्यू होता है, यानी जो इनिशियल इंटरव्यू होता है, उस इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ आमतौर पर 6% लोग ऐसे होते हैं जो फाइनल इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, और फिर फाइनल इंटरव्यू जब होता है तो उसके अंदर अबाउट 1.7% कैंडिडेट्स को जो फाइनल इंटरव्यू पास होते हैं उन्हें ऑफर मेड किया जाता है, यानी ऑफर लेटर जो है उन्हें दिया जाता है, और फिर उसमें से 42 लोग थे जिनको ऑफर लेटर अगर दिया गया है तो उसमें से आमतौर पर 36% लोग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग जो है आपकी ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं। तो ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है ये यील्ड कर्व कहलाती है। ये यील्ड कर्व हमें ये मालूम, इससे हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो कितना साउंड है, कितने लोगों में से कितने लोग हम, यानी 100 में से सिर्फ एक ही बंदा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो बेहतरीन क्राइटेरिया है जिससे वो एम्प्लॉयज जो है वो हायर कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको देखना ज़रूरी है, लेकिन अगर यहाँ यील्ड कर्व को खाली देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपका, कोई सवाल, कोई ऐड करना चाहे कुछ, या कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सर, जिन कंपनीज में एम्प्लॉई पावर ज़्यादा होती है वहाँ पर बेटर वर्किंग कंडीशंस होती हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। डेफिनेटली ऐसा ही है, एम्प्लॉयज के राइट्स भी वायलेट नहीं होते।
जी हाँ, पाकिस्तान में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये असल में इकोनॉमी पे असर होता है कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं और उसकी इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की है। आप देखिए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास लोग ही नहीं है, वो दूसरे ममालिक से लोगों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जो कैंडिडेट्स की तादाद है, ये यंग पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयर की पावर बहुत है। लेकिन आप सऊदीया में देखें, आप दुबई में देखें, वहाँ पर तो उनके अपने कैंडिडेट बहुत कम ही काम करते हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग ही वहाँ जाकर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ के जो करंट, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो पावर आमतौर पर होती है वो ज़्यादा ही होती है बाहर के लोगों के नस्बत। तो बहरहाल, ये एक डिमांड और सप्लाई का जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है लॉ, उसके मुताबिक किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो डेफिनेटली उसकी वर्थ नहीं होगी, और अगर किसी उसमें क्या बोलते हैं प्राइस कम हो जाती है, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये उसी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो चल रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है। सर 2:20 होने वाले, फिर क्विज कब स्टार्ट होगा सर? फिर टाइम कम रह जाता है। हाँ, 10 मिनट का क्विज होगा लड़की, ज्यादा थोड़ी होगा, 10 मिनट का क्विज बस। जब 10 मिनट रह जाए तो बताइएगा। 35 पे हम स्टार्ट करेंगे, अभी जो है 20 मिनट बाकी है। तो सर फिर नेक्स्ट क्लास है ना 3 बजे? हाँ, नेक्स्ट क्लास 3 बजे होगी ना, तो 10 मिनट में, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है, बस 10 मिनट में करके या तो ईमेल कर अपलोड करें, पहले कोशिश करें, अगर अपलोड नहीं होता तो ईमेल करें, लेकिन अपलोड करना लाजमी है। अब ये नहीं तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या क्लास के बाद आपने अपलोड करना है हर सूरत में। सर आपने वो टाइम तो नहीं सेट किया हुआ LMS के ऊपर, नहीं, वरना वो। मैंने टाइम सेट नहीं किया। चलो ठीक है, सर हैंड रिटन करेंगे हम लोग? जो हैंड रिटन करना चाहे वो हैंड रिटन कर सकता है, जो वर्ड पे करना चाहे वो वर्ड पे कर सकता है, दोनों ऑप्शन मौजूद। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। व्हाट डू टेस्ट मेजर्स? टेस्ट के अंदर आमतौर पर क्या हम चेक कर रहे होते हैं, क्या हम मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं? तो पीपल डिफर ऑन मैनी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन टेस्टिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। तो ये सामने जो नीचे दी गई है ये कंस्ट्रक्ट्स है, यानी आप जो चीज मालूम करते हैं थ्रू टेस्ट, उसमें आप एबिलिटीज, स्किल्स, वर्किंग स्टाइल्स, वर्क वैल्यूज एंड वोकेशनल इंटरेस्ट, तो ये वो चीजें हैं जिनको आप मेजर करते हैं थ्रू टेस्ट। इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 चीजों के जो है वो जिक्र किया गया है, और टेस्ट के अंदर यही चीजें होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं जरा वो थोड़ा सा जनरल टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, या इसी तरह जनरल नॉलेज वगैरह होता है, वो चीजें होती हैं जो कि आप टेस्ट के अंदर आप अपीयर होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जिन टेस्ट की बात की गई है, दैट द टेस्ट इज वेरी मच रिलेटेड टू द जॉब, जॉब से बिल्कुल रिलेवेंट टेस्ट जो है वो होने चाहिए, तभी जो है वो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, या प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टेस्ट करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के टेस्ट होते हैं, इसलिए लोग ये समझते हैं कि इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही हम कोई प्रॉपर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकेंगे। व्हाई केयरफुल सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट? क्यों जो जब आप सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो उसको इतना पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो इतना जरूरी क्यों है? तो उसके अंदर 3 बड़ी अहम चीजें हैं। नंबर 1 पे परफॉर्मेंस है, नंबर 2 पे कॉस्ट है, और नंबर 3 पे एब्लिगेशन है, लीगल एब्लिगेशन है। जब आप किसी भी बंदे को हायर करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जब वो आपकी कंपनी में आएगा तो क्या वो आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो एज एसेट्स के तौर पर आएगा या लाइबिलिटी के तौर पर आएगा। तो अगर वो आपकी कंपनी में आ जाए और वो परफॉर्म ना करे, और वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जो पहले बंदा छोड़ के गया था उससे भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस उसकी हो, तो ये आपकी कंपनी के लिए एक लॉस होगा। आपकी कंपनी प्रॉपर जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, आपकी कंपनी की के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। तो
तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने का जो ताल्लुक होता है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से होता है, और आपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ही ऐसे हायर किए जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि जो लोग आप हायर कर रहे हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव या टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी होता है। इस वजह से जरूरी है कि वो टैलेंटेड लोग हों, वो कैपेबल लोग हों, ऐसे लोगों से जो है हम ये ऐसे लोगों को हायर करें ताकि वो अपनी बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दें। दूसरा ये है कि अगर आप अच्छे लोगों को हायर नहीं करेंगे, टैलेंटेड लोगों को हायर नहीं करेंगे, या वो लोग जो आपके की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है उनको अगर आप हायर करेंगे तो वो आपके लिए एक जो है प्रॉब्लम पैदा होगा, और उस प्रॉब्लम से क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। क्यों कॉस्ट बढ़ेगी? जब आप किसी बंदे को हायर करते हैं तो आमतौर पर एक ही बंदे को हायर करने के लिए आपका टाइम लगता है, आपकी कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर अगर वो बंदा छोड़कर चला जाए या आपको उसे निकालना पड़े तो आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो पड़ जाएगी, जिसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट जो होती है वो लर्निंग कॉस्ट होती है। जब आप नए बंदे को लेकर आते हैं तो दो तीन महीने तो वो बेचारा सीख ही रहा होता है, और कोऑर्डिनेशन को समझता है, इन्वायरमेंट को समझता है, लोगों से सोशलाइजेशन में टाइम लगता है, तो तीन महीने तो तकरीबन जो है उसकी जो फुल पोटेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो नहीं आती है, इसलिए ये भी एक कॉस्ट होती है। फिर आप ट्रेनिंग एंड उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है आप पैसा लगाते हैं, हायरिंग के पूरे प्रोसेस के ऊपर, यानी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस के ऊपर आपकी कॉस्ट लगती है। अगर वो छोड़ के चला जाएगा या आप उसे निकाल देंगे तो फिर टर्मिनेशन कॉस्ट होती है। फिर इसी तरह दूसरे बंदे को जब तक आप लाते रहेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। फिर एक और होता है कि लीगल एब्लिगेशंस, अगर आप प्रॉपर हायरिंग नहीं करेंगे तो उसमें लॉज है बहुत सारे, जिसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ है कि अगर आप हायरिंग में या सिलेक्शन में जो है ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, लोग आपके ऊपर सू भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर ना करके आए और वो बंदा ऐसे किसी बंदे को आपने हायर कर दिया जो कि ऑलरेडी जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसे किसी बंदे को रखा है, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, एक लीगल एप्लीकेशन आपके ऊपर आ जाएगी। तो जब आप सिलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, ये सिलेक्शन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस होती है वही आमतौर पर कंट्रीब्यूट करती है टू दी कंपनी परफॉर्मेंस। कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट अगर आप कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो भी आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा जिनको दोबारा निकालना ना पड़े। और थर्ड जो है वो है लीगल इश्यू से, लीगल एप्लीकेशन से बचने के लिए आमतौर पर सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। ये तीन जो है वो रीजन है जिसकी वजह से केयरफुल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स ऑन द स्लाइड? केयरफुल सिलेक्शन में जो आपने कॉस्ट बताई है डिफरेंट टाइप्स की, ये कहीं पे रिटन है सर? कोर्स आउटलाइन में हमारी बुक में बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई है, बहुत सारी जगहों पे। जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल अवेलेबल होंगी, बुक में भी होंगी, बुक में नहीं भी होंगी तो कहीं और मिल जाएंगी आपको, वरना यहाँ तो मिलेंगे ही। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। अच्छा जो ये जो मैं स्लाइड बनाता हूँ इसकी जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में ही मिले, बहुत सारी स्लाइड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बुक में अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको जो है बुक से भी पढ़ना है और स्लाइड से भी पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो टॉपिक कवर होंगे वो टॉपिक होंगे जो कि मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से आमतौर पर जो वो पेपर बनेगा। ओके ओके सर। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट टेस्ट? ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टेस्ट को क्यों कंडक्ट करती है, क्या रीजंस होता है? जी, तो पहला रीजन ये है कि सिलेक्शन के लिए कर रही होती है, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के लिए। ट्रेनिंग के लिए भी टेस्ट होता है जिसमें नीड असेसमेंट होती है, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए नीड असेसमेंट करते हैं कि भाई कौन बंदा है जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसको हम TNA कहते हैं, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी कहते हैं। बाज नाम आप लोगों ने सुना होगा, TNA लोग कहते हैं, किसी ने नाम सुना होगा TNA का?
आप में से किसी ने टीएनए का नाम इससे पहले सुना है, आज से पहले? अगर नहीं है तो टीएनए का मतलब होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है वो भी एक टेस्ट के थ्रू हो सकती है, उसके अंदर भी आप जो है कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए आमतौर पर टेस्ट होते हैं, करियर एक्सप्लोरेशन और गाइडेंस के लिए जो कि करियर काउंसलर होते हैं वो भी टेस्ट ले रहे होते हैं, या किसी प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करनी है तो उस प्रोग्राम की इवैल्यूएशन के हवाले से भी टेस्ट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रही होती है, उसके अलग अलग टेस्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स ऑफ सेलेक्शन, जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसीडर करना बड़ा जरूरी है। पहला कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, दैट शुड बी पर्सन जॉब फिट, मतलब वो इंडिविजुअल जो है वो जॉब से फिट होना चाहिए, यानी जो जॉब वो करने के लिए जा रहा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, तभी जो है वो, जिसमें ये देखें कि मैच बिटवीन द के एस ए सीज एंड जॉब, यानी जो उसके अंदर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हैं वो मैच होनी चाहिए विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, और जो इंडिविजुअल के पास ये स्किल्स, नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज मौजूद है वो जो है वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो कि जॉब की रिक्वायरमेंट है। जब तक वो नहीं हो सकता है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हो, लेकिन वो जॉब की अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जॉब, उस जॉब से फिट नहीं है। वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत बेहतर बंदा हो सकता है, लेकिन अगर जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। तो जो पर्सन है या जो कैंडिडेट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसके कल्चर से भी फिट होना चाहिए। जैसा कि पैलेट्स ऑफ एमिरेट्स है, PIA है, या साउथ वेस्ट एयरलाइन है। अब हर एक जो एयर, जैसे मैं एक इसमें से एग्जांपल दूं साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट का जो पायलट होता है वो सिर्फ एरोप्लेन जो है उसे, उसका जो है वो उसे उड़ाता नहीं है, बल्कि जब एरोप्लेन नीचे रुका हुआ होता है तो उस वक्त वो दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें बैग को देखने के लिए, उसको टैग लगाने के लिए, या जो फ्रंट पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ वो काम करने के लिए। इसलिए उनकी सैलरी जो होती है वो बाकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा उससे काम लेते हैं। अब वही चीज़ अगर साउथ वेस्ट वाले जो पायलट हैं वो PIA में आ जाए, या PIA वाले पायलट साउथ वेस्ट में चले जाए, तो साउथ PIA वाले पायलट वहां जाकर बोलेंगे, भाई ये क्या, हम तो पायलट हैं, हम तो सिर्फ जहाज ही उड़ाएंगे, ये हमसे क्या, आप जो है वो बैग के ऊपर टैग लगवा रहे हैं, बैग को चेक करा रहे हैं, टाइम पर रखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारे हमारा काम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि जो बंदा आप ले रहे हैं क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से मैच करता है या नहीं करता। अगर वो कल्चर से मैच ना करता हो तो ऐसे बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रख लेंगे तो फिर फाइनली यही होगा कि आपको उसे निकालना ही पड़ेगा। यस, एनी क्वेश्चन? KSAC stands for what? K for knowledge, S for skills, A for abilities and C for competencies. तो ये वैसे आमतौर पर KSA होता है, लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज बढ़ा दी है जो कि competencies यहाँ पे include किया। तो KSAC जो है that is knowledge, skills, abilities and other competencies which is required for the job. ये इसका मतलब ये है। जी, और किसी का सवाल था? ऑर्गेनाइजेशन फिट की एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि वो किसी पर्सन की वो JD ना हो। नहीं, JD is basically related to the job fit. Job fit में JD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फिट में JD नहीं आती है। ऑर्गेनाइजेशन फिट के अंदर उसकी पर्सनालिटी आती है,
उसके जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है जिस कंपनी में वहां उसने काम किया है, और वहां का वर्किंग स्टाइल और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग स्टाइल है वो जो है वो काम आता है। वहां की टाइमिंग क्या थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग क्या है, वहां का हायरार्किकल सिस्टम क्या था और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल सिस्टम क्या है। वहां पर जो है ये हो सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वहां की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अगर उसको आप स्किल्स के साथ मैच करना चाहते हैं तो वो पर्सनल फिट होगा। लेकिन अगर उसे आप ये देखना चाहते हैं कि वहां का जो कल्चर है, वहां पायलट सिर्फ जो है वो जहाज ही उड़ाता है, लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है नहीं, पायलट सिर्फ जहाज नहीं उड़ाता बल्कि उसको बैग के ऊपर टैगिंग भी करनी होती है, और उसको जो है वो जो लोग वहां पर आ रहे होते हैं उनको फैसिलिटेट भी करना होता है। तो ये कल्चर का पार्ट है। अब इस कल्चर के पार्ट के अंदर जो है अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ले आ रहे हैं जो कि वहां पे सिर्फ वो जहाज उड़ाता है लेकिन आपके यहाँ जहाज उड़ाने के अलावा भी और भी बहुत सारे काम है, तो आपको ये देखना होगा, उससे पहले बात करनी होगी कि भाई आप ये काम कर सकेंगे, अगर वो कर सकता है तो तभी आप उसको जो है वो लेकर आ सकते हैं। जी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि एक फूड चेन का सेल्समैन एक मोबाइल नेटवर्क के फ्रेंचाइज में सेल्समैन हायर हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हायर हो सकता है, लेकिन अब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है, अगर वो समझते हैं, जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन से ये बिल्कुल फिट है तो ही उसे रखना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन फिट के लिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो है ये वो बंदा जो वहां बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है जिसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल्चर मालूम है, वो उस बंदे को बेहतर जज करके और वो जो कल्चर के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको सामने रखकर उस बंदे को जज कर रहा होता है, और अगर उससे वो मैच करता है तो वो कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फिट होगा, और अगर वो मैच नहीं करता तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिट नहीं हो सकता। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग चीजें होती है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट क्वालिटी। टेस्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास जो है दो चीजें हम चेक करते हैं, एक टेस्ट की रिलायबिलिटी होती है और एक टेस्ट की वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि ये जो टेस्ट है ये कितना रिलायबल है, मतलब अगर यही सेम टेस्ट दो जगहों पे लिया जाए, एक जगह पे 10% लोग पास होते हैं, दूसरी जगह पे 50% लोग पास होते हैं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट आपका रिलायबल। तो टेस्ट में क्या होता है कि आप एक दफा आपने टेस्ट किया, फिर वही सेम टेस्ट को तकरीबन सेम लेवल के लोगों पर आपने दोबारा चेक किया तो आपको पता चला अगर उसके रिजल्ट्स बहुत मैच कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कंसिस्टेंसी आ सकती है, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो टेस्ट रीटर मतलब एक दफा जो आपने पॉपुलेशन उठाई जिन पर टेस्ट आपने किया था, आप 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर उन्हीं के ऊपर दोबारा टेस्ट कर लें और फिर आप देखें कि भाई आपको क्या पता चल रहा है कि क्या उनके स्कोर तकरीबन मोर लेस सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा क्या है अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म, कि आप सिमिलर तरह के जो लोग हैं उन पर अलग अलग टेस्ट जो है अप्लाई करें, टेस्ट लें और उसके बाद फिर उसको चेक करें कि क्या ये सेम आ रहा है। फर्ज करो एक कराची में आप टेस्ट ले लें, इस्लामाबाद में ले लें, एक लाहौर में ले लें, और फिर देखें कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो सही है या नहीं है। इसी तरह फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है जिसके अंदर जो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कितने उनके आंसर्स जो है आपस में कंसिस्टेंट है, ऐसा ना हो कि एक में बहुत ज्यादा है, दूसरे में बहुत कम है, तीसरे में बहुत ज्यादा है, तो वो जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते होने चाहिए तभी वो कंसिस्टेंसी आ सकेगी। तो वो भी आप चेक करते हैं कि अगर एक बंदा एक पार्ट के अंदर 100 स्कोर कर रहा है, दूसरे में 0 कर रहा है और तीसरे में 5 कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको इस टेस्ट को और इम्प्रूव करना है। कोई सवाल आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट की वैलिडिटी है, एक मिनट रह गया उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट की वैलिडिटी है जी, टेस्ट की वैलिडिटी का मतलब है कि आप ये चेक करते हैं कि क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है जो क्राइटेरिया है, यानी क्राइटेरिया ये है कि
जिन बच्चों के ज्यादा स्कोर होंगे वो ही पास होंगे, कम स्कोर वाले पास नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे वो उस बच्चे जिनके स्कोर कम होंगे वो हमारे टेस्ट में पास होंगे और जिनके स्कोर ज्यादा होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया होगा जो कि आपने डिफाइन करना होगा कि फर्ज को 50% से जो ऊपर लोग लेंगे नंबर वो पास होंगे, इससे कम जो है वो फेल होंगे। अगर कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, बस अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। कंटेंट रिलेटेड वैलिडेशन, कंटेंट से मुराद ये है कि जो क्वेश्चंस आप उसके अंदर दे रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है वो कंटेंट जो है वो ऐसा हो जो कि जो जॉब को टेस्ट करने के लिए दिया जाए। फिर कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी होती है कि आप का जो क्वेश्चनार बनाया गया है, यानी जिसके जिसमें से जो सवालात बनाए गए हैं उन वो जो सवालात हैं उसके अंदर तमाम चीजें रेलेवेंट पूछी गई हैं जो के उस टेस्ट को वैलिडेट करती है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो टेस्ट की वैलिडिटी के लिए इस्तेमाल होती है। टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक होती है, टेस्ट की वैलिडिटी चेक होती है। मेरे ख्याल में बस इतना काफी है। अब हम आप लोग क्विज की तरफ जा सकते हैं। इसको खत्म होने में 6 मिनट रह गए हैं मीटिंग को। अब क्विज मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर अटेम्प्ट करना शुरू करें। और ये मैं 6 मिनट के बाद दोबारा मैं एक्सेस करूंगा और आप भी एक्सेस कर लीजिएगा इसको, ताकि अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई अपलोड नहीं कर पा रहा तो मुझे पता चल जाए किस किसने जो है मुझे ईमेल किया और किस किसने अपलोड किया है। तो जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। सर मैंने क्लिक करा भी लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि नो क्वेश्चन हैज बीन एडेड येट। क्या लिखा हुआ है सर? डिस्कस द ग्रीन सर, जो क्विज जावा मैंने क्लिक किया है तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि अटेम्प्ट मतलब नो क्वेश्चन हैज बीन एडेड येट। हाँ तो ये सवाल लिखा हुआ आ रहा है ना, काफी यही सवाल है, इसको आप अटेम्प्ट करें। नहीं सर, सर आपने इधर सबमिशन के लिए ना कोई सच मतलब फाइल या कम फाइल जो है अपलोड कहां करेंगे, इधर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वहां पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं आ रहा सर, नहीं सर। हाँ जी, आप जब तक इसको करें मैं क्वेश्चन यही है, हम लोग फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब तब तक खोल दें, अपना काम शुरू करें जब तक मैं इसको देख। ओके सर, थैंक यू। मुझे ये बता दें कि ये जो चार लोग थे, सैयद अली, मेहदी जैदी, ये आया हुआ, उमर अली अटेंडेंस में देख लें अगर ये उमर अली आया हुआ मेरे पास, और सानिया अमजद और उमर अरशद, ये चार लोग एब्सेंट है मेरे पास। अगर ये अभी आए हैं इनमें से कोई तो बता दें, वरना मैं इनको एब्सेंट कर रहा हूँ सेकंड उसमें भी। सर अभी ज्वाइन तो नहीं है क्लास के अंदर फिलहाल। ठीक है, तो इनको मैं एब्सेंट नहीं कर रहा। अली जैदी का बस एक आया था कि उनके घर पे लाइट का इशू हुआ है, चलें देख। बाकी किसी का मुझे मैसेज नहीं आया। हाँ ठीक है ओके ओके।
Thank you.